उपस्थित सभी भाई और बहनों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके साथ मैं यहां आया हूं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आदरांजलि अर्पित कराने के लिए। और मैं जा रहा हूं सपा बसपा और कांग्रेस को हराने के लिए। ये दल है अपना, ये दल है अपना, पूरा करना है सोनेलाल जी का सपना। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल जी को दे दिया है बल। अनुप्रिया पटेल जी को बीजेपी ने दे दिया है बल, इसलिए यूपी में मजबूत हो रहा है अपना दल। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कल, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कल, और आप सभी को खाने के लिए मिलेगा मीठा फल। जिन्होंने सोनेलाल जी का सपना पूरा किया, जिन्होंने सोनेलाल जी का सपना पूरा किया, उनका नाम है अनुप्रिया। तो अनुप्रिया जी के नेतृत्व में अपना दल उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है। हमारी जो एनडीए है, ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़ी मजबूत है। विरोधी दल के लोग बोल रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि भाई ये लड़ाई है पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक और एनडीए। मैं अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग 80% से ज्यादा बीजेपी के साथ एनडीए के साथ है। दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एनडीए के साथ है। माननीय हमारी बहन मायावती जी की हालत बहुत बड़ी खराब होती जा रही है, और इसीलिए मतलब हम सब लोग जो मिलकर जो मेरी पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्थापित की हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज तक आपने बहन के तरफ देखा है, अभी थोड़ा भाई की तरफ देखो। और रिपब्लिकन पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के साथ है, एनडीए के साथ है, महाराष्ट्र में तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ हैं। और इसलिए आज मैं यहां सोनेलाल पटेल जी को आदरांजलि अर्पित करने के लिए, उनको याद कराने के लिए, हमारे छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर के थे, उन्होंने सभी वर्गों को 50% आरक्षण दे दिया था, उनका आदर्श उन्होंने ध्यान में रख लिया था, और उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया था, इसलिए मैं आज यहाँ सोनेलाल पटेल जी को याद करता हूँ, और उनका सपना पूरा करने के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय एनडीए, जय बीजेपी, जय अपना दल। के संस्थापक जीवन पर्यंत पिछड़े दलित
वंचित वर्गों के भागीदारी, प्रतिनिधित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके पथ प्रदर्शक केशवाचार्य डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सबके बीच इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम श्रद्धे श्री अमित शाह जी का मैं सादर वंदन अभिनंदन करती हूं, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करती हूं। माननीय मुख्य अतिथि जी को किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया श्री अमित शाह जी के व्यक्तित्व को और कृतित्व को जानने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनके कार्यकाल में न केवल भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक चुनावी सफलता अर्जित करने का काम किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और शायद यही वजह है कि आज तमाम सियासी दल भी मुद्दे हों, चाहे आरक्षण से संबंधित मुद्दे हों, चाहे हक अधिकार के मुद्दे हों, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उसे हल कर रही है। निर्णायक दौर में है, जो भी हो सकता है उसके चिंतन मनन करके हमारे समाज को और उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की हर वर्ग हर जाति धर्म को जो देने का काम कर रही है, वो सपने सोनेलाल पटेल के जो सपने को साकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं अपने पार्टी की तरफ से आज अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को और मंच पर बैठे हुए जितने साथी हैं, मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अभी आप माननीय निषाद जी को सुन रहे थे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाऊं परमादरणीय परम श्रद्धे श्री रामदास अठावले जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीआई और केंद्रीय मंत्री